गाइस माय सेल्फ फिंचर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो साड़ीज हॉल। जी हाँ, जिसको वेडिंग्स में पहन सकते हो, फेस्टिवल में पहन सकते हो, सारी की सारी जो है वो हैवी साड़ीज है। और इसमें से बहुत सारी साड़ीज का मुझे इंस्टा पे DM भी आया था और ये सारा न्यू कलेक्शन है कि ये वालों का रिव्यू कीजिए, तो इसको मैंने ऐड की है। और ये सारों के प्रोडक्ट्स के कोड्स होते हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी लिंक के थ्रू मीशो डाउनलोड करने के बाद शॉपिंग करते हो तो आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। मेरी लिंक मीशो डाउनलोड नाउ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट रो में ही मिल जाएगी, साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और आई नो कि कमेंट आने वाली कि आपने जो कुर्ती पहनी है उसका जो है वो क्या बोलते हैं लिंक या कोड दीजिए। तो ये जो मैंने कुर्ती वेयर की है वो मैंने लोकल मार्केट से ली थी, इसका डिटेल रिव्यू मेरी ब्लॉग वाली चैनल पे आ गया है, तो मेरी ब्लॉग वाली चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, सारों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो साड़ी है और न्यू कलेक्शन में है वो कुछ इस तरह की है, रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन में है। ये साड़ी जो है वो न्यू कलेक्शन में आई हुई थी, इस तरह से जिसको आप अपनी हल्दी वगैरह में पहन सकते हो वैसी है। तो इसके पल्लू से हम स्टार्ट करते हैं। तो पल्लू में आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको सिक्वेंस वर्क एंड थ्रेड वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क सब कुछ पल्लू में देखने को मिल जाता है। हैवी सी बॉर्डर है पल्लू की जो है वो, इस तरह से ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा वर्क किया गया है। और पल्लू में आप देखोगे तो बीच बीच में आपको जो है वो इस तरह का गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड सिक्वेंस वर्क देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर साड़ी में जो है वो आपको वर्क देखने को मिलेगा, मतलब कि ऑल ओवर साड़ी जो है वो हैवी है। डोला सिल्क इसका फैब्रिक है, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है और सॉफ्ट सिल्क है। इसको आप हल्दी में पहन सकते हो, इवन खुद की भी हल्दी है तो आप इसको वेयर कर सकते हो, वैसी है, सॉफ्ट है और प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। सिक्वेंस वर्क बहुत ब्यूटीफुल सा सिक्वेंस वर्क किया गया है, थ्रेड वर्क किया गया है इसके अंदर, ये देखिए बहुत ही हैवी सा आपको यहाँ पे आप देख रहे हो। वैसे ही मैं इसको जूम करके दिखा दूँ, इस तरह से आपको सिक्वेंस वर्क और हैवी वर्क मिल जाता है। और इसके साथ जो ब्लाउज आया है वो भी पूरा हैवी आया है, पिंक और पीच के कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं, वैसा है ब्लाउज जो है वो। ये देखिए जिसमें आपको हैवी सा जो है वो सिक्वेंस वर्क मिल जाता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है और इस तरह का पैटर्न आएगा। आप जब भी स्टिच करवाते हो तो इस तरह का ही स्टिच करवाएगा ताकि डिज़ाइनर वाला लुक आएगा जो पैटर्न दी गई है। और इसमें इस तरह का वर्क है जिसका मैं क्लोजअप लुक दिखा दूँ, ये देखिए। तो ये एक साइड का है पिंक कलर का भागलपुरी सिल्क वाला इसका फैब्रिक है और बैक साइड जो है वो प्लेन रहेगी। इसके लिए ये जो है वो कपड़ा दिया गया है जिससे आप लाइक की बैक साइड और स्लीव में लगवा सकते हो उसके लिए। और जो दोनों साइड बॉर्डर दी गई थी ना जो मैंने दिखाई, ये वाली जो बॉर्डर है, ये वाली जो बॉर्डर है ये एक साइड की है और ये दूसरी साइड की है, वो स्लीव में जाएगी, मतलब स्लीव में बॉर्डर आएगी। सो गाइस हमारे हॉल को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस आजकल हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो हर किसी को हो गई है, हेयर फॉल होते हेयर पतले होते जा रहे हैं, हेयर में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है जब भी हम कोई भी हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक कि स्ट्रेटनर यूज़ किया या हेयर स्टाइल करने के लिए हेयर कलर्स यूज़ किया, ड्रायर यूज़ किया, तो हमारे हेयर जो है वो डैमेज होते हैं, ब्रेकेज हो जाते हैं और ड्राइनेस भी आ जाती है, साथ ही में हेयर ग्रोथ भी कम हो जाता है। हेयर फॉल का तो पूछो ही मत, हर एज में अब तो हो रहा है, चाहे कोई भी सीज़न ले लो आप, हर सीज़न में जो है वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हर किसी को होती ही होती है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं लोटस ऑर्गेनिक प्लस का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। सो गाइस ये जो शैम्पू है वो आपके डैमेज हेयर होते हैं उसे रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज़र को रिस्टोर करता है, रूट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट ब्रेकेज। ये SLS और SLES फ्री है, पैराबिन फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और pH बैलेंस जो होता है उसे भी मेंटेन रखता है। अगर इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर ये जो शैम्पू है उसके अंदर रोजमेरी ऑयल है जो इम्प्रूव सेलुलर जनरेशन, मतलब कि आपके जो
सेल्स होते हैं हेयर के, उसको इम्प्रूव करता है और आपके जो स्काल्प होता है उसे भी नरिश बनाता है, प्री मैच्योर हेयर फॉल्स जो आते हैं होता है और ग्रे हेयर्स होता है उसे भी कंट्रोल करता है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो वो है रेड ऑनियन एक्सट्रैक्ट। रेड ऑनियन जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को सस्टेन प्रोवाइड करते हैं, आपके हेयर का वॉल्यूम जो है उसे भी इंक्रीज करते हैं, आपके हेयर में शाइन ऐड करते हैं और रूट्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। यूज़ कैसे करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लोटस ऑर्गेनिक हेयर फॉल कंट्रोल मल्टी हर्ब्स ऑयल को 5 मिनट आपके हेयर में मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि ये जो लोटस ऑर्गेनिक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है उसको आपके वेट हेयर पे लगाना है, जेंटली लीदर होगा और फिर आपके हेयर को आपको प्लेन वाटर से वॉश कर देना है। और ये जो है वो आप लोटस ऑर्गेनिक हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर के साथ अगर यूज़ करते हो ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। वीक में 1 से 2 बार इसको यूज़ कर सकते हो और सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। सो गाइस, इसके बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और अब हमारे हॉल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद की जो साड़ी है वो मुझे मतलब सारी की सारी पसंद आई थी तभी मैंने ली है। इस तरह की है, पर्पल एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है, पूरी हैवी है, मिरर वर्क वाली है, पर्पल एंड व्हाइट मतलब की कॉन्ट्रास्ट होता है, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है। ये यहाँ पे आप देखोगे तो कट बॉर्डर आपको देखने को मिल जाती है। मिरर जो है वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक के जो मिरर आते हैं वो मिरर है, वो भी बता दूँ। और वर्क कुछ इस तरह का है, एक साइड आपको इतना हैवी सा जो है वो वर्क मिलता है, एक साइड आपको ऐसे जिगजैग वाली डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। इसका फैब्रिक जो है शाइन करने वाला, साटिन वाला आता है ना, वैसा है। इसमें कलर थे या नहीं मुझे नहीं पता, आप चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए व्हाइट या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ इसका जो लुक है बहुत अच्छा आएगा। इवन इसको रात में भी आप पहनोगे ना, रिसेप्शन है या ऐसा कुछ है पार्टी में, तो भी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए तो ऑल ओवर साड़ी में भी आपको मिल रहा है ऐसे छोटे छोटे आर्टिफिशियल मिरर वर्क मिल जाता है, नीचे ऐसी व्हाइट कलर की कट वाली बॉर्डर भी मिल जाती है। इसका कपड़ा शाइन करता है, ये देखिए साटिन आता है ना सॉफ्ट वाला, वैसा है, तो बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, गर्मियों में भी आराम से इसको पहन सकते हो ना, वैसी है। इसके साथ जो ब्लाउज आया है उसका फैब्रिक भागलपुरी सिल्क वाला है और पूरा आपको प्लेन मिलता है, इस तरह से सेम कलर का मिलता है लेकिन प्लेन मिलता है क्योंकि साड़ी पूरी हैवी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर बार 80-90% क्यों ये लोग भागलपुरी सिल्क ही रखते हैं, और कोई फैब्रिक रखते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद मैंने ली है कुछ इस तरह की साड़ी, बेज कलर की सिक्वेंस वाली साड़ी है। इसमें कलर ऑप्शन थे लेकिन मुझे बेज ही चाहिए था, बेज कलर बहुत अच्छा लगता है, डस्की स्किन पे भी जचता है, फेयर स्किन पे भी जचता है क्योंकि मैंने पहना हुआ है बहुत बार इसलिए मुझे पता है। और ये जो है वो नेट की साड़ी है, नेट का कपड़े की हम बात करते हैं ना तो सॉफ्ट वाला कपड़ा है क्योंकि नेट 2-3 टाइप के आते हैं, मतलब क्वालिटी में बात करें तो एक नायलॉन नेट आता है जो सबसे अच्छी वाली क्वालिटी और सॉफ्ट नेट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा भी 2-3 थोड़ा सा मीडियम और नेट जो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा हार्ड लगता है, और एक होता है बहुत हार्ड वाला होता है। तो ये वाला जो है ना नायलॉन वाला है और बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे आपको ऐसे ट्रायंगल वाली पल्लू में बॉर्डर देखने को मिल जाती है और सॉफ्ट बेज कलर है, कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल है तो आप चेकआउट कर सकते हो। सिक्वेंस वर्क किया गया है, ऐसे आप देख रहे हो वैसे क्रॉस वाला सिक्वेंस वर्क आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इसका पल्लू है, पल्लू में कुछ इस तरह की डिज़ाइन आएगी और उसके बाद जो है हाफ एंड हाफ या पाटली पालो जो भी बोलते हैं, जो बोलते हैं ना वैसे कि हाफ में पल्लू तक, तो यहाँ तक ऐसे डिज़ाइन है। उसके बाद पल्लू ख़त्म होते ही ऐसी छोटी छोटी जो है वो सिक्वेंस वर्क आपको ऑल ओवर साड़ी में देखने को मिलता है। उल्टी पकड़ी ये वाली बॉर्डर वाला पोर्शन जो है वो नीचे आएगा, प्लेट्स वगैरह आप लोगे ना वहाँ पे आएगा, तो इस तरह का बहुत प्यारा लगता है। ट्राई कीजिएगा, कभी नहीं किया तो मेरे कहने पे एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। ब्लाउज़ भी पूरा हैवी मिलता है, मतलब फैब्रिक जो है वो भागलपुरी सिल्क वाला है और उसमें आपको जो है हैवी सा एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस वर्क देखने को मिल जाता है। ये फ्रंट साइड में जाएगा जिसमें हैवी सा एम्ब्रॉयडरी किया गया है और सीक्वेंस गोल्डन सीक्वेंस वर्क आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो है प्लेन मिलती है स्लीव, और बैक साइड के लिए भी पूरा इस तरह का बेज कलर का भागलपुरी सिल्क का कपड़ा दिया गया है। तो फ्रंट जो है आपका वो कुछ इस तरह से हैवी हो जाएगा और बैक साइड और स्लीव जो है पूरी प्लेन रहेगी।
तो ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छी वाली साड़ी है, कलर्स भी है, आपको बेज कलर या लाइट कलर नहीं पसंद, ब्राइट कलर मेरे जैसे पसंद, ज़्यादातर मैं ब्राइट कलर ही लेती हूँ। उसमें आई थिंक 5 to 6 कलर्स थी, इवन रेड भी था और मे बी येल्लो भी था, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो आज के वीडियो में यही था, इनमें से कौन सी वाली साड़ी आपको ज़्यादा पसंद आई है वो भी बताइएगा। और बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस आते ही रहते हैं, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के और मीशो के, हर टाइप के वीडियोस आते रहते हैं, इवन ज्वेलरी और ब्लाउज हॉल और बैग्स हॉल, सब कुछ मिक्स कलेक्शन आता ही रहता है। तो 4 बजे में ही चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और बस आज की वीडियो में यही था, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।